हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और दोस्तों आज मैं आपसे बात करूंगा आईफोन के डेटा के बारे में। तो बहुत से लोगों का कहता है कि दोस्तों फ़ोन टूट जाता है, गिर जाता है, ख़राब हो जाता है, तो उस कंडीशन में दोस्तों लोगों को टेंशन होती है कि हमारा डेटा ये वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। और बहुतों को दोस्तों ये प्रॉब्लम होती है कि हमारा इम्पोर्टेड डेटा इसमें पड़ा हुआ है, वो डेटा कैसे निकालें, कैसे देखें। किसी की फ़ोटोज़ होती हैं, किसी के डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोज़ होती हैं, किसी के वीडियोज़ होते हैं, बहुत इम्पोर्टेड होते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं, बहुत इम्पोर्टेड होते हैं। तो उस कंडीशन में दोस्तों हम डेटा को कैसे हम देख सकते हैं, तो मैंने आपको इसी वीडियो में आपको वही बताऊंगा कि आपने जो आईफोन का आपका डेटा है, अगर आपका फ़ोन बंद किसी कारण बंद हो गया है और आपको अर्जेंटली फ़ोटोज़ चाहिए, तो किस तरह से आप उस डेटा को अपने निकाल सकते हो। ओके, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है, जिस तरह से आपका जो डेटा है, अगर आपको एप्पल आईडी पासवर्ड याद है तो आप सिंपली किसी और फ़ोन को छोड़ के आप अपने लैपटॉप में ही अपना सारा डेटा देख सकते हो। वहाँ से वो सारे डिटेल अपनी जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो होगी या कॉन्टैक्ट होंगे आप उस लैपटॉप से अपने उसको निकाल सकते हो। ये दोस्तों तो बने रहिए इस वीडियो में, मैं आपको सिखाता हूँ कैसे आपको ये डेटा आपको देखना है। ओके चलिए दोस्तों, देखिए अब हम आ गए हैं अपने डेस्कटॉप पे। तो आपको गूगल सर्च में जाना है, आप वहाँ पे लिख दीजिए iCloud। ओके, तो iCloud लिख देता है आपको खाली इस तरह से। तो पहले वेबसाइट जो मिलेगी आपको उस पर जाना है, तो गूगल के जो पेज होता है उस पर आपको डिटेल में पहले पे ही मिल जाएगा iCloud का पेज, जो एप्पल वालों का होता है। इस पर आपको क्लिक कर देना है, यहाँ से फिर हम वेट करेंगे। दोस्तों अगर आपको आपको एप्पल आईडी याद है या सेव है तो बहुत अच्छा है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह का कुछ साइट खुलेगी, तो आपके सामने इस तरह का एप्पल आईडी मांगेगा। तो देखिए यहाँ पे अगर आपकी सेव है, देखिए मेरी दोस्तों सेव हो रखी है, तो यहाँ पे सेव पहले से ही है। अगर आपकी सेव है ठीक है, नहीं तो आपको सेव करनी पड़ती है। तो मैं नेक्स्ट करता हूँ यहाँ से। ओके, तो देखिए इधर पासवर्ड ऑटोमेटिक रीड कर जाएगा। ओके, देखिए पासवर्ड जो मेरा था यहाँ पर आ रहा है। तो देखिए दोस्तों अगर आपका पासवर्ड आपको होना चाहिए वो 10 अंक 2 4 6 8 10, ठीक है दोस्तों 10 अंकों का होना चाहिए पासवर्ड। तो नेक्स्ट कर देते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे आपसे पूछेगा आपकी ऑथोरिकेशन की आप ही हो, तो एक OTP नंबर आपके नंबर पे सेंड करेंगे ऑथराइजेशन के लिए कि आप ही हो, ये आपका ही आईडी है, इसलिए तो हम इसमें अपना OTP नंबर डाल देते हैं। ओके, तो अब डालते ही अपने आप ही वेरीफाई हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपसे पूछेगा आप ट्रस्ट इस ब्राउज़र, जो आप ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हो क्या आपको इस पर ट्रस्ट है, तो आप ट्रस्ट कर देते हैं। तो ट्रस्ट के बाद अब ब्रोकरिंग का होगा, तो अब वेट करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ से अब आपका जो भी डेटा था, देखिए यहाँ पे आ रहा है गुड इवनिंग लिखा हुआ आ रहा है। तो इससे क्या हो गया, आपकी यानी कि एप्पल आईडी पासवर्ड जो है कि दोस्तों सही है, आपका डेटा यहाँ पे ओपन हो गया है। देखिए मेरा यहाँ पे डेटा बता रहा है कि मेरा इतना GB MB जो भी हो आपका भरा होगा, बस दिखा देगा उसके अंदर। ओके, तो अब आपको देखिए बिग साइड आना है, तो यहाँ पे आपके कॉन्टैक्ट, अगर आपको देखने के मेरे कॉन्टैक्ट आए हैं या नहीं है, देखिए यहाँ पे सारे कॉन्टैक्ट जो है कि आ रहे हैं। ओके दोस्तों, तो इस तरह से हम कॉन्टैक्ट भी इस तरह हासिल कर सकते हैं अपने आईफोन के आईडी से। और मेन चीज़ दोस्तों, आप जो बहुत लोगों को डाउट होता है कि मेरा फ़ोटोज़ मेरे हमारे फ़ोटोज़ नहीं आते हैं, तो मैं आपको दिखा दूँ कि फ़ोटोज़ कैसे नहीं आ सकते। तो मैं फ़ोटोज़ पर क्लिक करता हूँ, लोग कहते हैं कि मेरा डेटा नहीं आया, या फिर मेरा 6 महीने पुराना डेटा नहीं आया, साल भर पुराना डेटा नहीं आया। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें कितना पुराना डेटा मेरा इसमें पड़ा हुआ है। ओके, तो देखिए यहाँ से मैं आप ऊपर करता हूँ, सबसे जहाँ तक कि मेरी स्टार्टिंग लास्ट होगा वहाँ तक लेके जाता हूँ कि कितना पुराना डेटा मेरा इसमें है। क्योंकि दोस्तों बहुत से लोगों को कंप्लेंट होती है कि इनमें डेटा इनका नहीं मिल रहा है, डेटा क्यों नहीं आता है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर सितंबर 2017 में आ गया हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे तीन चार साल पहले का डेटा मेरा इसमें अभी तक पड़ा हुआ है क्लाउड में, यानी कि दोस्तों ये इतना पुराना डेटा इसमें आ सकता है दोस्तों, तो आपका डेटा भी इसमें आ सकता है। दोस्तों अगर डेटा आपका सिंक होगा तभी आएगा, अगर आपने डेटा सिंक कर रखा हो आई क्लाउड में तभी आएगा। क्योंकि दोस्तों देखिए मैं 2017 से लेके और आखिरी जब तक मेरा आईफोन मेरे पास था तब तक का लास्ट डेटा इसमें दिखाएगा। जब तक इसमें आईफोन यूज़ करो, आपका डेटा अगर जब आईफोन लेते हो तब का सिंक और लास्ट तक का सिंक अगर रहेगा आईक्लाउड में, तो डेटा वो वहीं का वहीं रहेगा, चाहे कितना पुराना आपने डेटा सिंक कर रखा हो वो डेटा उसमें रहेगा। तो बहुत से लोगों का डेटा दोस्तों नहीं मिल पाता इसलिए कि दोस्तों वो सिंक नहीं करते हैं, इसलिए डेटा नहीं आ पाता। तो दोस्तों तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि अगर आपको एप्पल आईडी पासवर्ड याद है और आपको डेटा देखना है कि हमारा है कि नहीं, तो आप इस तरह से iCloud पर जाके अपना डेटा देख सकते हो कि आपका डेटा इसमें है या नहीं। अगर इसमें नहीं आएगा तो दोस्तों समझ लो कि आपकी आईडी में डेटा नहीं है, अगर इसमें आ रहा है तो डेटा तो
आप दूसरे आईफोन में डालोगे तो ये डेटा आपको वापस मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको समझ आ गया कैसे हमने इस लैपटॉप से अपने आई क्लाउड का जो डेटा था हमने देख लिया, किस तरह से हम अपने डेटा को देख सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो उसकी फ़ोटो को हम निकाल सकते हैं, कॉन्टेक्ट को कैसे निकाल सकते हैं। बाकी दोस्तों इस फोटो पर क्लिक करेंगे तो उस फोटो को हम कंप्यूटर में सेव भी कर सकते हैं, जिससे कि हम उसको पेन ड्राइव में निकाल सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आया तो दोस्तों लाइक कीजिए और नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।